Okay, hello friends. I welcome you all on my YouTube channel Science Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of surface chemistry which was asked in GATE exams. Okay, friends, so let's start. See, this is your first question, friends, and this question was asked in GATE 2020 exam. The question says adsorption of nitrogen on TiO2 that is titanium oxide. वॉज कैरीड आउट एट सेवेंटी फाइव कैलविन अपलॉट ऑफ जेड अपॉन वन माइनस जेड वर्सिज जेड वेयर जेड इज इक्वल टू पी अपॉन पी नॉट गिवस अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट फोर इंटू टेन की पावर सिक्स नाइनोमीटर क्यूब एंड स्लो वन इंटू टेन की पावर थ्री मिलीमीटर क्यूब द वॉल्यूम राउंड ऑफ टू दियरेस्ट इंटीजियर कॉरस्पोंडिंग टू द मोनोलेयर कवरेज इज एंड फोर ऑप्शन फ्रेंड्स ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सी फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन था आपका गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी में देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट सॉल्व होगा बीईटी टी इक्वेशन से बीई टी इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स देखिए बीटी इक्वेशन इज सेट अपॉन वी इंटू वन माइनस जेड इज इक्वस टू सी माइनस वन अपॉन वी एम इंटू सी इंटू जेड प्लस वन अपॉन वी एम इंटू सी ये होती है आपकी बी ई टी इक्वेशन फ्रेंड्स जहाँ पर जेड होता है पी अपॉन पी नॉट क्वेश्चन में भी आपको गिवन है इसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये होती है आपकी y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी तो यहाँ से जो आपका स्लोप हो गया इसका वो तो कितना हो गया c माइनस वन अपॉन वी एम इंटू सी एंड जो इंटरसेप्ट है आपका इस इक्वेशन का वो क्या हो गया वन अपॉन वी एम इंटू सी यहाँ पर फ्रेंड्स वी एम क्या है आपका द वॉल्यूम कॉरस्पोंडिंग टू द मोनोलेयर कवरेज जो आपको क्या करना है फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सी क्या कॉन्स्टेंट होता है फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो अगर आप सी की वैल्यू किसी तरह से फाइंड कर लें तो उसको इस इक्वेशन में प्लेस करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं वी एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अब देखिए किस तरह से होगी वैल्यू देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका स्लोप है वो गिवन है दैट इज़ वन इंटू टेन की पावर थ्री हम इसकी वैल्यू रख देते हैं वन इंटू टेन की पावर थ्री इज इक्वल टू सी माइनस वन अपॉन वी एम इंटू सी तो यहाँ से सी माइनस वन की वैल्यू आपको मिलेगी टू फिफ्टी इट मीन्स जो कॉन्स्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू फिफ्टी प्लस वन इज इक्वस टू टू फिफ्टी वन ये हो गया फ्रेंड्स ओके अब देखिए सी की वैल्यू मिल गई तो आप इसको क्या कर दीजिए ये इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए देखिए इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में प्लेस करने पर क्या मिलेगा आपको वन अपॉन वी एम इज इक्व टू सी इंटू इंटरसेप्ट तो वन अपॉन यहाँ से वन अपॉन वी एम किसके इक्वल हो जाएगा सी कितना है आपका टू फिफ्टी वन इंटू इंटरसेप्ट कितना है आपका फोर इंटू टेन की पावर सिक्स क्वेश्चन में गिवन आपको देखिए कॉर्नर में तो यहाँ से आपका जो वन अपॉन वी एम है वो कितना हो जाएगा वन थाउजेंड एंड फोर इंटू टेन की पावर सिक्स तो वी एम यहाँ से कितना मिलेगा आपको वन अपॉन वन थाउजेंड फोर इंटू टेन की पावर सिक्स एंड जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 नाइन नाइन सिक्स विच इज़ योर इक्वल्स टू नाइन नाइन सिक्स मीटर क्यू तो देखिए फ्रेंड्स कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओके फ्रेंड्स ये था आपका गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आपसे पूछा गया था गेट टू थाउजेंड नाइनटीन में द क्वेश्चन सेज इन फ्रेंडलिच आइसोथम लीनियर रिलेशनशिप इज ऑप्टेंड इन द प्लॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू सरफेस कवरेज एंड पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कैश फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इन फ्रेंडली चाइसोथर्म यू गेट द ग्राफ बिटवीन लॉग थीटा वर्सेस लॉग पी डेट इज योर ऑप्शन नंबर बी ओके फ्रेंड्स सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी डेट इज लॉक थीटा वर्स इज पी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट टू थाउजेंड एटीन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे फ्रेंड्स फॉर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन ओ थ्री द एडजॉपन ऑफ ओजोन ऑन ग्रेफाइट सरफेस इज द फुली डिसोसिएटिव इन नेचर एंड फॉलोज लैंगमर आइसोथम अंडर दीज कंडीशंस इफ द डिपेंडेंस ऑफ द सर्फेस कवरेज ऑफ ग्रेफाइट थीटा ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन पी ओ थ्री इज गिवन बाय थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ओ थ्री की पावर एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज अपू टू डेसिमल प्लेसेस आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी फ्रेंड्स आपको ग्राफ प्लॉट करावा मिलेगा तो थीटा एंड पी ओ थ्री में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड करना है आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है चलिए देखते हैं सी देखिए फ्रेंड्स आज का थर्ड क्वेश्चन है आपका टू थाउजेंड एटीन का हमको पता है फ्रेंड्स जो आपका गिप्स एबजॉप्शन आइसोथर्म डिसोसिएटिव प्रोसेस के लिए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू के पी की पावर वन अपॉन एन अपॉन वन प्लस के पी की पावर वन बाय एन ये आपका फॉर्मूला है ओके okay. अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको फर्स्ट uh, लाइन में क्या लिखा एट लो पार्शियल प्रेशर इट मीन्स एट लो प्रेशर के पी की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन वन हो जाएगी ऐसा होने से क्या होगा वन प्लस के पी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी वन के ये हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो थीटा होगा आपका क्या हो जाएगा के पी की पावर वन अपॉन एन के इक्वल हो जाएगा तो इट मीन्स जो आपका थीटा है वो डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है पी की पावर वन अपॉन एन ओके okay, फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस एटम्स की बात करते हैं फ्रेंड एन इज इक्वल्स टू अगर आपके पास बाई मोलिकुलर गैस है तो एन इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा ट्राई ट्राई एटोमिक गैस है तो एन इज इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा मोनो एटोमिक है तो एन की वैल्यू वन ही रहेगी तो देखिए यहां आप पर आपको क्वेश्चन में ओजोन दिया हुआ है तो फॉर ओ थ्री द वैल्यू ऑफ एन विल बी थ्री सो इट मीन्स थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर वन बाई थ्री इट मीन्स यहां से एक्स क्या है आपका वन बाय थ्री एंड वन बाय थ्री एक्स का मीन्स क्या है द आंसर शुड बी जीरो पॉइंट थ्री थ्री सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री ओके फ्रेंड्स ये था इस क्वेश्चन का आंसर गेट टू थाउजेंड एटीन में पूछा गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स गेट टू थाउजेंड सेवेंटीन में पूछा गया था Question is the dissociative absorption of X two gas on a metal surface follows Langmuir adsorption isotherm. The ratio of the rate constants of the adsorption and desorption processes is four per atmospheric, uh, four per atm. The fractional surface coverage of X adsorbed at one atm and atmospheric pressure is. एंड आपको वैल्यू फिल uh, करनी है फ्रेंड्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है अप टू डेसिमल प्लेसेस तक ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं देखिए फ्रेंड्स आपको पता है डिसोसिएटिव प्रोसेस में जो थीटा होता है लैंगमर में आइसोथर्मो क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू के पी की पावर वन बाय एन अपॉन वन प्लस के पी की पावर वन बाय एन ये आपको पता है अब देखिए एन मैंने आपको बताया था एन इज डिपेंड्स ऑन द गैस विल बी एड्जॉप गैस विल बी मोनोटॉमिक और डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक सो हियर द एड्जॉप गैस विल बी डायटॉमिक एक्स टू क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सो हेयर एन इज इक्वल्स टू टू सो फॉर दैट थीटा विल बी के पी की पावर वन बाय टू अपॉन वन प्लस के पी की पावर वन बाय टू ओके फ्रेंड्स

फोर की पावर हाफ डेट इज टू अपॉन वन प्लस फोर की पावर हाफ डेट इज टू सो थीटा विल बी टू बाय थ्री डेट इज जीरो पॉइंट सिक्स सेवन सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फॉर दिस क्वेश्चन ये टू थाउजेंड सेवेंटीन में पूछा गया था आपसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स Uh, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट 2016 सिक्सटीन में द क्वेश्चन इज एडजॉपन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ऑन चारकोल एट टू सेवन थ्री कैलविन फॉलोज लैंगोथम ए प्लॉट ऑफ पी अपॉन वी वर्सेस पी इज लीनियर विद अ स्लोप ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन विद इंटरसेप्ट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव द इक्विली कॉन्स्टेंट के फॉर द एडजॉर्प्शन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है वैल्यू फिल करनी है आपको गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा गया था चलिए देखते हैं किस तरह से होगा सी देखिए फ्रेंड्स आपको है गिप्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आ, जो थीटा होता है वो होता है केपी अपॉन वन प्लस के पी अगर हम थीटा को लिखते हैं वी अपॉन वी मोनो तो इस वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो वी अपॉन वी मोनो इज इक्वल टू केपी अपॉन वन प्लस के पी ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन अब क्या कर दीजिए आप रिवर्स द इक्वेशन फर्स्ट मतलब इक्वेशन वन को आप रिवर्स कर दीजिए उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका V मोनो अपॉन V इज इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन के पी डेट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड नाउ यू शुड मल्टीप्लाई विथ P एंड डिवाइड विथ V मोनो ऑफ इक्वेशन सेकेंड मीन्स इक्वेशन सेकेंड को आप P से मल्टीप्लाई करें एंड V मोनो से क्या करें डिवाइड करें सो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई विथ पी एंड डिवाइड बाय वी मोनो सो व्हाट वी गेट आफ्टर दिस प्रोसेस वी गेट पी बाय वी इज इक्वल्स टू P बाय V मोनो प्लस वन अपॉन K डॉट V मोनो इस इक्वेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स P बाय V इज इक्वल टू वन अपॉन वी मोनो डॉट पी प्लस वन अपॉन के डॉट वी मोनो तो ये होगी वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी डेट इज येट लाइन इक्वेशन अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको वाई एंड एक्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स के फाइंड करना है ओके तो के फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे आपको के तो मिल जाएगा इंटरसेप्ट लेकिन उसके लिए आपको पहले वी मोनो पता होना चाहिए तो वी मोनो यानी आप देखिए आपका स्लोप क्या है इस क्वेश्चन से पता लग रहा है स्लोप इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी मोनो सो यहां से वी मोनो क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन स्लोप एंड स्लोप इज गिवन इज जीरो पॉइंट ज़ीरो वन सो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी हंड्रेड आपको मिल गया वी मोनो की वैल्यू तो चलिए अब आप क्या करिए इंटरसेप्ट वन अपॉन के डॉट वी मोनो ये हो गया तो यहाँ से जो आपका के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वन अपॉन इंटरसेप्ट इन वी मोनो सो so, से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी वन अपॉन इंटरसेप्ट कितना आपको गिवन है जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फिफ्टी डेट इज जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो तो आपकी जो इक्वली कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री टू जीरो इस क्वेश्चन के लिए तो ये था आपका गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे जून टू थाउजेंड एटीन में पूछा गया था आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखिएगा जहां पर मैंने जून टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ कुछ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था वो क्वेश्चन भी ओके फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ट टू थाउजेंड फिफ्टीन एग्जाम द क्वेश्चन इज द प्रोसेस गिवन ब्लो फॉलोज द लैंगमोर एडजॉप आईसोथ एवं थीटा डिनोट्स द सर्फेस कवरेज एंड पी डिनोट द प्रेषर द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ वन अपॉन ढीटा वर्सेज वन अपॉन अंडर उज एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स स्लो फाइंड करना है यहाँ पर जो प्लॉट दिया गया है उसका ओके फ्रेंड्स देखिए किस तरह से होगा हमको पता है थीटा की वैल्यू होती है आपकी के पी की पावर वन बाय एन अपॉन वन प्लस के पी की पावर वन बाय एन अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो वन अपॉन थीटा कितना हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन के पी की पावर वन बाय एन होता है जिसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं के की पावर वन बाय एन एंड पी की पावर वन बाय एन ओके okay, फ्रेंड्स तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका वाई इज इक्व टू सी प्लस एम इंटू एक्स ओके okay, फ्रेंड्स तो देखिए वाई हो गया वन अपॉन ढीटा यहाँ पर एक्स हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट पी देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है वन अपॉन ढीटा वर्स इज वन अपॉन अंडर रूट पी पी की पावर वन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन कितना हो जाएगा आपके टू हो जाएगा क्योंकि डाईटोमिक गैस है ए टू है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वन बाई टूट इज डेट इज अंडर रूट पी तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका स्लोप uh, होगा ग्राफ का वो कितना होएगा स्लोप कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन के की पावर वन बाय टू या आप इसको लिख सकते हो वन अपॉन अंडर रूट के डेट इज योर ऑप्शन नंबर फोर या ऑप्शन डी तो इस क्वेश्चन का आंसर एन इज इक्वल टू टू रखोगे आप इसको आप रिवर्स कर दोगे इस इक्वेशन को तो वन अपॉन थीटा एंड वन को क्या ये यहाँ पे सी इंटरसेप्ट आपका एम uh, की वैल्यू वन बाय के की पावर वन बाय एंड दैट इज़ वन बाय टू एंड एक्स इज़ वन अपॉन पी की पावर वन बाय टू सो ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स जो गेट में आपसे पूछे गए थे सरफेस केमिस्ट्री के आई होप आपको समझ आए होंगे लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी फेस हो तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स So thank you friends, thank you for watching.